दोस्तों, विश्व कप क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच है। यहाँ शतक बनाना हर बल्लेबाज का सपना होता है, और अगर कोई बल्लेबाज विश्व कप के फाइनल में शतक बना दे तो क्या कहना। सचिन तेंदुलकर के नाम विश्व कप में 6 शतक है, लेकिन सचिन विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबले फाइनल में एक भी शतक नहीं बना पाए हैं। विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबलों में अब तक कुल 6 बल्लेबाजों ने शतक जमाने का कारनामा अंजाम दिया है। तो आइए जानते हैं उन 6 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले में शतक बनाने का गौरव हासिल किया है। लेकिन ये जानने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नंबर 1, क्लाइव लाइट। विश्व कप 1975। क्रिकेट विश्व कप के पहले फाइनल में ही वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लाइट ने शतक बनाकर विश्व कप फाइनल में शतक बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए फाइनल मुकाबले में क्लाइव लाइट ने कप्तानी पारी खेलते हुए आक्रामक अंदाज में शतक जमाते हुए 102 रनों की बेशकीमती पारी खेली थी। क्लाइव लाइट की इस पारी के बदौलत वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से मात देकर पहले विश्व कप खिताब पर कब्जा जमाया था। नंबर 2, विवियन रिचर्ड्स। विश्व कप 1979। क्रिकेट के दूसरे महाकुंभ में भी वेस्टइंडीज के ही एक और बल्लेबाज ने शतक बनाने का कारनामा अंजाम दिया था। वेस्टइंडीज के मध्य क्रम के बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स ने इंग्लैंड के खिलाफ हुए फाइनल मुकाबले में नाबाद 138 रनों की पारी खेलकर टीम का स्कोर 286 पहुंचा दिया था। 287 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम मात्र 194 रनों पर सिमट गई और वेस्टइंडीज को 92 रनों की बड़ी जीत मिली। विवियन रिचर्ड्स की उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था। नंबर 3, अरविंद डी सिल्वा। विश्व कप 1996। 1979 विश्व कप फाइनल के बाद अगले 3 विश्व कप फाइनल में कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं जमा पाया। ये सिलसिला तोड़ा श्रीलंका के मिस्टर भरोसेमंद अरविंदा डी सिल्वा ने। अरविंदा डी सिल्वा ने 1996 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 107 रनों की पारी खेलकर टीम को पहली बार विश्व विजेता बनाया। शतक बनाने के अलावा डी सिल्वा ने पहली पारी में 3 कंगारू बल्लेबाजों को पवेलियन की राह भी दिखलाई। उनके इस हरफन मौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। नंबर 4, रिकी पोंटिंग। विश्व कप 2003। विश्व कप 2003 में रिकी पोंटिंग ने शतक जमाकर करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। भारत के खिलाफ हुए फाइनल मुकाबले में रिकी पोंटिंग ने नाबाद 140 रनों की पारी खेलकर भारत के सामने 360 रनों का लक्ष्य रखा। रिकी पोंटिंग की इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच खिताब दिया गया। नंबर 5, एडम गिलक्रिस्ट। विश्व कप 2007। पूरी सीरीज में बल्ले से संघर्ष कर रहे विस्फोटक बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने फाइनल मुकाबले में अपने बल्ले की ताकत दिखाई। एडम गिलक्रिस्ट ने श्रीलंका के खिलाफ हुए फाइनल मुकाबले में 149 रनों की पारी खेलकर श्रीलंकाई टीम के हौसले पस्त कर दिए। अपनी इस पारी में गिलक्रिस्ट ने 13 चौके और 8 छक्के लगाए। गिलक्रिस्ट के यह स्कोर विश्व कप फाइनल में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। नंबर 6, महिला जयवर्धने। विश्व कप 2011। श्रीलंकाई टीम 2011 में एक बार फिर फाइनल में पहुंची और इस बार सामने थी भारतीय टीम। श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन श्रीलंका के मध्य क्रम के बल्लेबाज महिला जयवर्धने ने 103 रनों की शतकीय पारी खेलकर टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया। लेकिन उनका यह प्रयास नाकाफी रहा और श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी की शानदार पारियों की बदौलत लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। यह विश्व कप फाइनल इतिहास में पहला मौका था जब शतक बनाने के बावजूद कोई टीम हार गई थी। विश्व कप 2011 के बाद विश्व कप 2015 तथा 2019 के फाइनल में किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया, लेकिन विश्व कप 2023 में जिस तरीके के फॉर्म में भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल हैं, उससे ये लग रहा है कि विश्व कप के फाइनल में शायद 7वां शतक लग जाए।